तो आज मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। मैया तेरी जय जयकार जो सॉन्ग है जो अरिजीत सिंह ने गाया है उसका मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। पहले मैं उसको प्ले करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप PDF में उसका सरगम डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाके मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है? आप उसकी सरगम वगैरह देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अगर आपको एक एक लाइन देख के और एक एक सुर पहचानना है कि कौन सी लाइन पर कौन सा सुर आ रहा है, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? बाकी आप इस ट्यूटोरियल में बने रहिए, पूरा देखना है इसको, ताकि आप जान भी सको कि कैसे बजाना है। क्योंकि कई बार होता है हम लिखा हुआ तो देख लेते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस लाइन पे कौन सा सुर मुझे प्ले करना है। जैसे एक लाइन में बहुत सारे सुर लिखे हैं तो उसको भी हमें समझना होता है कि किस टाइम पे कौन से शब्द पे, क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे गाने में, कौन से शब्द पे कौन सा सुर आ रहा है, ठीक है? तो ये जानना जरूरी होता है, इसलिए पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस PDF को डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो आ जाओ इसको शुरू करते हैं, ठीक है? पहले मैं इसको थोड़ा सा गाऊंगा, उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं इसके ट्यूटोरियल पे, ठीक है? तेरी गोद में इसको थोड़ा सा कोड पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम कोड पे कर सकते हैं, ठीक है? मतलब वो देखा होगा ना आपने, हम तीन सुर को प्रेस करके रखते हैं, ठीक है? मैं आपको वो भी बता दूंगा सरगम में कि उसको कैसे प्रेस करके रखना है, ठीक है? एक ही सीरीज में चलेगा वो ऐसा नहीं है कि बार बार शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है? तो वो देखते हैं। इसी तरीके से चलेगा, मतलब ज्यादा इसमें हमें इसमें शिफ्ट नहीं करना, ठीक है? तीन सुरों को लेके चलना है, जो कोड होता है हम उसी को बजाते हुए चलते हैं, और बार बार जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता वो, मतलब एक एक पैराग्राफ में आपको सिर्फ एक बार या दो बार ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये था, मैंने आपको प्ले करके दिखा दिया, कोड पे बता दिया, इसको वैसे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कीज पे थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको गा के दिखा दिया, आपको मैंने कॉर्ड पे बता दिया, अब एक एक लाइन पकड़ के इसको जल्दी से समझते हैं कि कैसे इस पे बजेगा, ठीक है? आप पैटर्न भी समझ लेना, ये नीचे यहाँ तक जाएगा, ऊपर यहाँ तक जाएगा, ठीक है? ये कोमल नी है, ये रे है, मैं इसको सब तक मान के चल रहा हूँ, सा और प मेरा ये है, तो उसी हिसाब से अब आप देख सकते हैं, ठीक है? तो पहला है, तेरी गोद में सर है मैया। म प ध नि ध प म ग ग म, तेरी गोद में सर है मैया। फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है? समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से था, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको आप चार बार करेंगे, ठीक है? चार बार या दो बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है, अब मुझको क्या डर है मैया, वो भी सेम है, ठीक है? फिर से देखते हैं। अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, ठीक है? फिर है, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, ये लाइन दो बार होगी। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे,
अब इसको सरगम में देखते हैं। मा मा ग रे नी ग रे ग रे सा, मा प ग रे नी ग रे ग रे सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है मुझ पे तेरी नजर है मैया। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एकदम से सा से यहाँ तक, यहाँ पे जाएगा तार सप्तक के सा पे जाएगा। ठीक है, मुझ पे तेरी नजर है मैया। फिर से देखते हैं, मुझ पे तेरी नजर है मैया। ठीक है, अब फिर है नेक्स्ट लाइन, तेरी गोद में सर है मैया, वही रिपीट होगा। ठीक है, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर मैया। फिर है मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, ये दो बार होगा, आप इसको चार बार भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और आता है दिल में लगा तेरा दरबार, उसका और इसका दोनों की सरगम सेम है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है, दोनों सेम साउंड पे आएगा, सेम सुरों पे आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, मैया तेरी जय जयकार। ठीक है, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। फिर से देखते हैं, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट अंतरे पे चलते हैं। तेरा दरस यहाँ भी है, तेरा दरस वहां भी है, इसको देखते हैं। तेरा दरस यहाँ भी है सारे निधा पनीधा। ठीक है, अब तेरा दरस वहां भी है, तेरा दरस वहां भी है। ठीक है, अब है हर दुख से लड़ने को मैया, तेरा एक जयकारा काफी है। लास्ट में हल्का सा होता है काफी है। ठीक है, हर दुख से लड़ने को मैया, हर दुख से लड़ने को मैया, तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। इसको देखो सरगम में, नी रे 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 सारे सानी नी, सारे सानी धा पा पा मा गा मा पा धा पा मा गा गा मा। फिर दोबारा वही है, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया, ओ मैया तेरी जय जयकार। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं जल्दी से। मैं इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ भी दिए नीचे। ठीक है, प्लस मैंने आपको गा के भी दिखा दिया है और आपको मैंने कॉर्ड्स भी बता दिए हैं, तो पीडीएफ खोल के आप इस वीडियो को खोल के आराम से सीख सकते हो। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं जाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर रहा कि आपको समझना है, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से मेरे हाथ चल रहे हैं। ठीक है, आप हाथों की मूवमेंट से ही समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट अंतरे पे चलते हैं जो कि लास्ट अंतर है। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। ठीक है, इसका क्या है, सारे सारे निधा पानी धा। नेक्स्ट, सारे निधा पानी। फिर जग में सबसे गहरा मैया, तेरा और मेरा है नाता, है नाता। ठीक है, जग में सबसे गहरा मैया, तेरा और मेरा है नाता, है नाता। सरगम में देखते हैं, मेरे रे रे सारे सानी, सारे सानी धा पा मा गा मा धा पा मा गा मा। अब लास्ट में फिर वही रिपीट हो जाएगा, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। जो मैं कह रहा था दिल में लगा तेरा दरबार, देखो अब उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो भी सेम सरगम में आएगा। ठीक है, दिल में लगा तेरा दरबार, ओ मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। तो ये था पूरा आपका ट्यूटोरियल इस गाने को लेके। नवरात्र का टाइम भी चल रहा है, इसको प्ले कर सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, या खुद भी एक वीडियो बना के रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, यहाँ तक जाता है मंद सप्तक में नी, कोमल नी और ताल सप्तक का रे। ठीक है, कोई वो नहीं है इसमें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, आपको जल्दी से सरगम याद भी हो जाएगी।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्यूटोरियल में और भी गानों के लाते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि और भी लोग इसको आसानी से देख के सीख सकें।